भाई साहब आ गए, आओ बहन तुम तो आई जाओ पहले, हमने तुम्हें बुलाया। हाँ बुलाया बुलाया, हम भूल जाते हैं ना, क्या करें हम, हमारा भी बुढ़ापा आ गया है। आओ, पहले हमारी खूब जवानी थी। यस 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 यस, आने दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, यही है वो बच्चा। माला पहने रुद्राक्ष की, देखो जरा माला पहने रुद्राक्ष की, चेक करो, दिखाओ, ऐसे कैसे हम माने। हाँ हाँ पहने हैं पहने, चलो इनके साथ वाले जो भी हो आने दो, आओ इन्हें बैठा रहे। बहन रो मत, माइक लो। कहाँ से आई हूँ मैं? गोरादरा नहर से आई हूँ। हैं? गोरादरा नहर। कहाँ पड़ता है ये? ये नीलगिरी की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। मैं अभी घर पे जा रही थी क्योंकि आपने 5 नाम लिया तो मुझे बहुत दुख हुआ। अरे तो मैंने कहा मम्मी घर चलो अब कुछ नहीं होगा, आपने नाम ले लिया मेरा। यही हमारे हनुमान जी की दया है, हमारे हनुमान जी बहुत कृपालु हैं। और एक प्रार्थना करेंगे, तुम लोग बिल्कुल भी निराश मत हुआ करो, जब तक हम हैं और हमारे बालाजी तो चारों युगों में हैं, हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, काम तो होगा ही होगा तुम्हारा आशीर्वाद। और दूसरी बात, हम तुमसे मिलेंगे एक दिन, पक्का मिलेंगे सूरत वालों, बस तुम तो यहां पर राम नाम का झंडा गाड़ दो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार हो जाओ। कौन कौन इस मुहिम में हमारे साथ है? तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलवाऊंगा। जय श्री राम। और विरोधियों की बढ़ जाएगी ठटरी, और भारत से फिर विरोधियों की बन जाएगी गठरी। हाँ माइक लो बहन, क्या नाम है आपका? प्रीति। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ तुमने नाम लिखवाया था क्या? मैं ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। अच्छा फर्स्ट टाइम आए, पूछो क्या बात है? बस ये कि ना हम लोगों का भाई हमसे बात नहीं करता, बड़ा वाला। उसका नाम क्या है? अविनाश। और कुछ और बोलते हैं उसे? लालू। हाँ हमारा सिग्नल में दूसरा है, नजदीक आइए। घर में कलेश बना, भाई आपका उपद्रव करता, घर में नहीं रहता, बात नहीं मानता, लालू नाम है, गलत संगत में फंसा हुआ है, बहका दिया गया उसे, और संगति के कारण वो दूसरी जगह स्थिर हो गया है, इसी कारण से आप लोगों पर लांछन लगाता है, लालू सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। शुक्रिया, लेकिन वो घर कब आएगा बाबा जी? अब इस पे हम पहले चर्चा कर लें गुरु जी। इसके ऊपर वशीकरण का प्रभाव किया गया एक स्त्री ने, लड़की ने, आओ वही है। अब मैं याम सच बताइए, इसको लबेरिया हो गया है जी गुरुजी। और कुछ नहीं, इसको जो है लबेरिया हुआ है आपके भाई को, और कुछ नहीं, इलू इलू के चक्कर में ये भागा है। और आप हमें फोटो दे देना, हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि आ जाएगा। ठीक बहन, खुश रहो, चलो है? दूर से प्रणाम, नहीं नहीं छूना नहीं, बस बस बहन प्रणाम मत करो, बालाजी को करो। नेक्स्ट, एक जने आ जाए, साथ वाले कोई भी आ जाए, रोगी को ले आओ, ले आओ, रोगी को बैठने दो, आप भर आ जाओ, बैठिए, माइक लीजिए। बहन जी, प्रीति बहन, ओ प्रीति बहन, बहन जी उसने जो है शादीवादी भी आंतरिक रूप से कर ली है, वो बहुत आगे बढ़ गया है, अब वो उसका कागजी आगजी की तैयारी भी कर रहा है, तो आप हमें फोटो कल ही दे दीजिएगा ताकि हम जल्दी उपाय करें। और वो चूंकि दूसरी बहुत उपद्रव में आ गया है, माता पिता के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो गुरुजी कह रहे हैं कि उनका तुरंत उपाय करना होगा। आप अपने घर पर कात्यायनी माता का आप कलश जलाइएगा, माता कात्यायनी का, इसको आप दोबारा देख लेना इस पे, ये काय पे यूट्यूब पे बागेश्वर धाम पे, जिसमें हम उपाय बता देते क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो आप कात्यायनी माता का कलश जलाना और चित्र आप जमा कर देना, और जो मंत्र पर्चे में लिख कर आया है उस मंत्र का जाप करना, आपका भाई कंट्रोल में होगा,
वह बात मानेगा, समय जरूर लगेगा। आशीर्वाद।